Welcome back to my channel, guys. My name is Prita, and the book I am using is An Approach to Psychology, and the writer's name is Prafshinda Shehnaz by Garvan Bookhouse. Let's get started. So, as the topic is generalized anxiety disorder. So, let me focus on it. Okay. The patients of generalized anxiety disorder constantly remain restless and agitated. Generalized anxiety disorder के patients हमेशा restless यानी कि बेसुकूनी जो है ना वो उनके अंदर घुस चुकी होती है. Such patient shows deep anxiety at trivial issues and stimuli. यानी कि छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा anxiety जो है वो शो करते हैं. A patient of panic disorder suffer from such an attack only for a short while. वो कहते हैं अगर आप panic disorder में देखें तो उसके अंदर भी होता है लेकिन ये short while के लिए होता है. But in case of GAD, लेकिन generalized anxiety disorder के केस में the individual shows these symptoms in low intensity all the time. यानी कि इसके अंदर individual लो इंटेंसिटी में हर वक्त यानी कि ऑल द टाइम ये सिम्टम्स शो कर रहा होता है. जबकि पैनिक डिसऑर्डर में लाइक पीक पे जाता है और फिर नीचे आ जाता है यानी कि थोड़े से वक्त के लिए काम होता है लेकिन इसके अंदर लो इंटेंसिटी पे ऑल द टाइम. मोस्ट ऑफ द एनजाइटी एक्सपीरियंस बाय अ जीडी पेशेंट रिलेट्स टू हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ. मोस्ट ऑफ द एनजाइटी यानी कि ज़्यादातर एनजाइटी की वजह क्या होती है रिलेटेड टू हेल्थ एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेली लाइफ. For example, the individual feels anxious, let so and so should fall ill, let such and such task should be delayed. इसके अंदर individual ऐसे feel करता है यानी कि वो कहता है कि ये जो अभी काम है हमें नहीं करना चाहिए या ये जो चीज़ है ये होनी नहीं चाहिए, ट्रेन जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाएगी, यहाँ पर नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है. यानी कि बहुत ज़्यादा जो है ना अजीब वगरीब अपने पास ही वो बना लेते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. The individual is severely nagged by such apprehensions. Other symptoms include difficulty in concentration. यानी कि इसके अंदर individual concentrate नहीं कर पाता, focus नहीं कर पाता, persistent fatigue यानी कि मुस्तकिल तौर पे वो बेचैन ही रहते हैं, a continuous sense of unpleasantness and unease और continuously वो परेशान इस तरह बेहाल इस तरह ही रहते हैं. अब आगे आ जाते हैं इसके कह रहे हैं कि सिम्टम्स, ट्रेम्बलिंग एंड शिवरिंग. बंदा काम पे और यानी कि ट्रेम्बलिंग एंड शिवरिंग एक ही बात है. मसल टेंशन एंड एक्स, गेटिंग इजीली फटीग, इनेबल टू रिलैक्स, डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, एग्जैगरेटेड स्टार्टल रिस्पॉन्स. यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर आप उनको बुलाएंगे ना तो वो घबरा जाएंगे, एकदम से डर जाएंगे फौरन ही. डिफिकल्टी कंसनट्रेटिंग और इरिटेबिलिटी एंड रेस्टलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, रैपिड हार्ट बीट एंड पल्स रेट, स्वेटिंग स्पेशली ऑफ हैंड्स, हाथों में यानी कि पसीना आना काफ़ी ज़्यादा, ड्राई माउथ, डिजीनेस एंड हेडेक, सिकनेस एंड डायरिया एंड अदर स्टमक डिसऑर्डर्स, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड डिफिकल्टी इन स्वेलविंग. यानी कि उनको जो खाना जो है वो स्वेलो करने में डिफिकल्टी पेश आती है. GAD patients are very GAD patients are very sensitive about personal affairs. They often feel depressed, worthless and inadequate. यानी कि वो एहसास से कमतरी का शिकार हो जाते हैं. They face difficulty in making a decision. उनको डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पेश आती है. Even if they try to manage to reach a decision, यानी कि अगर वो कोशिश भी करें कि वो कोई डिसीजन ले लें, they feel much disturbed about it afterwards. तो वो बाद में उसके बारे में सोचते रहते हैं, यानी कि ओवर थिंकिंग उनमें बहुत ज़्यादा आ जाती है. This disease also strike a person at the age between 15 and 20 years, यानी कि 15 साल से 20 साल की उम्र के दौरान जो है वो लोगों में स्ट्राइक करती है. A number of patients complain that they have always been ill with this disease, यानी कि कुछ लोगों का ये मानना है कि वो हमेशा से शुरू से उनको ये बीमारी रही है. The apparent cause of its onset is the stressful circumstances of life, और इसकी जो बड़ी वजह यानी कि जो वजह सामने आती है वही होती है कि उनकी लाइफ में जो स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसेज होते हैं उसकी वजह से वो इस तरह जो है सोचने लग जाते हैं. दीज पेशेंट जनरली डू नॉट सीक साइकोलॉजिकल हेल्प. द नंबर ऑफ वुमेन अफेक्टेड बाय इट इज टू टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ मैन. खवातीन इसकी दो टाइम्स ज़्यादा शिकार होती हैं कंसीडर्ड बाय यानी कि कंपेयर्ड टू मैन.
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्योर दिस डिसीज़ कम्प्लीटली. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आप उसको कम्प्लीटली क्योर कर लें. इन अ फर्स्ट ट्रीटमेंट स्टडी ऑफ पेशेंट दिस डैट स्पेंड 5 years वुडमैन ऑब्जर्व एंड ओनली 18% ऑफ द पेशेंट कुड बी क्योर कम्प्लीटली. वो कहते हैं कि 5 साल तक पेशेंट्स का ट्रीटमेंट इसके अंदर किया जाता है. और फिर वुडमैन ने ऑब्जर्व किया कि उसके सारी यानी कि 5 साल ट्रीटमेंट में भी सिर्फ 18% वो पेशेंट थे जो कि कम्प्लीटली क्योर हुए थे. फिर कॉजेस तो इसके ना यही है कि स्ट्रेसफुल लाइफ वगैरह, पेनफुल कोई इवेंट हो गया, या फिर आप इनके कोई लाइफ में इस तरह की चीज़ हो जिससे आप जो है एनजाइटी का शिकार हो जाएं, आप फील यानी कि सेफ फील ना करें, तो फिर इस वजह से आपको ये हो जाता है. फिर उसका ट्रीटमेंट वही कि आप ट्रीटमेंट ऑल द मेथड्स यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया एंड पैनिक डिसऑर्डर आर आल्सो इफेक्टेड इन ट्रीटिंग एनजाइटी डिसऑर्डर. यहाँ से देखिए, all the methods used in the treatment of phobia and panic disorder are also effective in treating generalized anxiety disorder. Both psychoanalysis and behavioral approach are being employed successfully in this regard. iske andar psychoanalysis aur behavioral approach dono ko karke jo hai isko treat kiya jata hai, lekin iska mukammal treatment hona bahut mushkil hai. ke 5 saal tak iska treatment chalta rehta hai aur fir uske andar bhi jo hai dekha jata hai sirf 18% aise log hote hain jo ke mukammal taur pe treat kar jate hain, treatment unka ho jata hai, cure ho jate hain. और मुश्किल ये है कि आप उन 18% लोगों में से हो अगर आप इस बीमारी का शिकार. सो एक दफ़ा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं. जर्नलाइज एनजाइटी डिसऑर्डर, इसके अंदर ये है कि आप मुस्तकिल तौर पे लो इंटेंसिटी पे यानी कि एनजाइटी में रहते हैं. और इसके सिम्टम जो हैं वो क्या हैं कि आप ट्रेम्बलिंग, शिवरिंग और उसके अलावा डिजीनेस, ड्राई माउथ, हाथ में बहुत ज़्यादा पसीना आना, आपकी हार्ट बीट का तेज़ रहना और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग, ये सब. और इसके कॉजेस में अगर आप देखें तो कॉजेस ये हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई इवेंट हो गया हो जिसकी वजह से आप अब सेफ फील नहीं करते और आप जो हैं बिल्कुल हर वक्त जो है वो परेशानी में रहते हैं. फिर उसके बाद इसके ट्रीटमेंट में जो है साइको एनालिसिस है और बिहेवियरल अप्रोच दोनों से काम लिया जाता है. और सिर्फ 18% पेशेंट्स ऐसे हैं जो मुकम्मल तौर पे ट्रीट हो सकते हैं. सो आई होप गाइस दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू, एंड इफ इट वाज देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.